यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध माना जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद एक कानून लागू होगा जिसे दोनों ही धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूसीसी लागू होने के बाद बदलाव सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होंगे, हिंदुओं को भी कई बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। आइए सिलसिलेवार तरीके से इन संभावित बदलावों पर नजर डालते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट। देश में जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं, जिसे संयुक्त परिवार माना जाता था। यहां रह रहे सदस्य संयुक्त रूप से संपत्ति भी साझा करते थे, जिसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF को टैक्स में छूट भी मिलती है, लेकिन अब कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से HUF खत्म हो सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये एक्ट देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना कानून है जो 1954 में लागू हुआ था। ये एक्ट किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति में शादी करने की इजाजत देता है। कई संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या यूसीसी आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिला के लिए भी विरासत के नियम अलग अलग हैं। आदिवासी समुदाय पर असर। ऐसे आदिवासी समुदाय जो आमतौर पर समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रहते हैं, इनके अपने रीति रिवाज और कायदे कानून होते हैं। कई आदिवासी समुदायों में तो एक पुरुष की एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये प्रथा खत्म हो सकती है। दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों पर असर। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हिंदू परिवारों में ऐसा चलन भी देखने को मिलता है जिसमें महिलाएं अपने कजन्स या फिर अंकल से शादी करती हैं। माना जा रहा है कि यूसीसी के आने के बाद इस तरह की शादियां भी नहीं हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।